परमेश्वर अपने वचन में कहता है, सांप ने पाप किया और सांप परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। संसार में सारे अपराधों, बुराइयों, दुष्टताओं, स्वार्थों तथा असमानता एवं अप्रेम की जड़ पाप है। पाप के कारण मनुष्य परमेश्वर की महिमा से गिरा हुआ है। पाप एक आत्मिक वस्तु है, एक व्यक्तित्व है, एक अंधेरे से भरा हुआ परमेश्वर की दृष्टि में गिरा हुआ व्यक्तित्व है। मनुष्य का बुरा विवेक पाप को पालने और पोसने का एक पिंजरा है, एक केज बॉक्स है। यह बुरा विवेक कैसे उत्पन्न होता है? प्रिय श्रोता, क्या कभी आपने इसकी गंभीरता पर विचार किया? मेरे विचार में इस प्रश्न का सहज उत्तर यह है, पाप के प्रति सतर्क एवं गंभीर रहने में असफलता ही बुरे विवेक का उत्पत्ति केंद्र है। पाप को हल्केपन से लेना आत्मघातक है, बहुत खतरनाक है। जो कार्य मुझे 6 माह पूर्व दोषी ठहराता था, यदि आज बिना अपराधी महसूस किए वही कार्य मैं करता हूं, तब मैंने बुरे विवेक की प्राप्ति की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जब आप पाप को सरल समझना प्रारंभ कर देते हैं, आप जब पाप को, अनाज्ञाकारिता को टाल देते हैं, भुला देते हैं, हल्का समझ लेते हैं, जब आप उसे करने के बाद स्वयं को गंभीर पापी और परमेश्वर का अपराधी नहीं करते, अनुभव नहीं करते, आप मित्र गलत दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रकाश से अंधकार की ओर। एक कारण मैं सोचता हूं कि क्यों कई लोग आजकल पाप को इतने हल्केपन से लेते हैं। वो लोग कहते हैं, ये तो बुरा काम है, ये आदमी की कमजोरी है। वो ये है कि ये लोग परमेश्वर को भी बहुत धुंधला सा देखते हैं, या परमेश्वर को एक हल्की वस्तु समझते हैं, हल्केपन से उसे लेते हैं। जब परमेश्वर के लिए हमारे पास पवित्र आदर नहीं है, जब हमारे हृदय में परमेश्वर की पवित्रता एवं उसके पाप के विरुद्ध उसके न्याय के प्रति आदर और भय, फिर कैसे होगा? पहला योना 1 अध्याय में परमेश्वर का वचन ऐसे लोगों के विषय में बताता है जो अपने पापों को अपनी बातों से ढांकने का प्रयास करते रहे हैं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। 6 पद, वे दूसरे लोगों को अपने विषय में झूठ बोलने लगते हैं। वे कहते हैं, हाँ भाई, कितनी भली बात है, मैं तो परमेश्वर की संगति में हूं। वे स्तुति गीत गाते हैं, वे मंदिरों में, गिरजों में जाते हैं और अपनी साक्षियां देते हैं, लेकिन वे अंधकार में चल रहे हैं। 1 योना 1:8 में हम उन्हें स्वयं को झूठ बोलकर धोखा देते हुए देखते हैं। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। वे एक ही झूठ को इतनी बार दोहराते हैं कि वे स्वयं उसे सत्य समझ लेते हैं। यदि कहें कि हम में पाप नहीं, तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। 10वां पद, तब वे फिर परमेश्वर के सामने भी झूठ बोलने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाते। वे शायद सुंदर शब्दों, बहुत उत्तेजनामय भावों तथा ऊंचे स्वरों में भिन्न भिन्न तरह से प्रार्थनाएं करेंगे, परंतु वास्तव में वे प्रार्थना नहीं कर रहे होते हैं। वह सब कुछ एक धोखा है, एक स्वांग होता है। वे अपने पाप पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। एक शुद्ध विवेक उचित रीति से कार्य करता है, परंतु यदि हम उस निर्मल विवेक के विरुद्ध चलकर पाप करें, तो हम एक अशुद्ध विवेक विकसित करने लग जाते हैं अपने भीतर। शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तु शुद्ध है, पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं। देखिए तीतुस की पत्री 1:15, एक निर्मल विवेक भ्रष्ट हो जाता है, क्योंकि खिड़की गंदी होना प्रारंभ हो जाती है। जितना अधिक हम प्रभु के विरुद्ध पाप करते हैं, उन्हें छिपाते हैं, कठोर करते हैं, खिड़की उतनी ही गंदी होती चली जाती है। यह अवस्था झुलसे और मुरझाए विवेक की ओर ले जाती है। हमारा विवेक जैसे पौधा बिना पानी के मुरझा जाता है, तेज धूप से झुलस कर मृतप्राय हो जाता है, हमारी दशा वही होती है। यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा, जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। झूठे मनुष्य कपटी, उनका विवेक भ्रष्ट, और तब परमेश्वर का वचन उसके लोहे से उसको दाग देता है। 1 तीमुथियस 4:2, इस प्रतिरूप को समझना कठिन नहीं है। जब आपकी चमड़ी जल जाए, उस पर आहत हुए कोशिकाओं का एक कठोर क्षेत्र वहां बन जाता है, और यह सारा क्षेत्र अपनी अनुभव शक्ति खो देता है।
यह सुन्न पड़ जाता है। इसी भांति आपका विवेक भी आपके कपट और झूठे रवैये से दागा जा सकता है। पहले एक शुद्ध विवेक भ्रष्ट विवेक में और फिर दागे हुए विवेक में बदल जाता है। हमारे जीवन में इतने निकृष्ट स्तर तक पहुंच जाना संभव है जहां पाप फिर हमें दुखी नहीं करता। पाप हमारी चेतना बन जाता है, पाप हमारा जीवन बन जाता है। हम बहुत सफाई से, बहुत मुस्कुराकर, बहुत सफाई से स्पष्ट झूठ बोल सकते हैं और इससे हमें रंच मात्र चिंता दुख नहीं होता। ये हमारी प्रकृति बन जाता है। वास्तव में ये स्थिति हमें बुरे विवेक की ओर ले जाती है। कोई जन पूछ सकता है, कैसे मैं जान सकता हूं कि मुझमें एक बुरा विवेक है? आइए हम बुरे विवेक के कुछ प्रमाणों पर विचार करें। पहला प्रमाण यह है कि आप पाप के साथ खेल रहे हैं। जब कभी आप पाप से खेलना शुरू करेंगे, आप उसे गंभीरता से नहीं लेंगे। बुरे विवेक का व्यक्ति पाप से खिलवाड़ करते रहकर भी तनिक चिंता नहीं होता। दूसरा प्रमाण यह है कि आपकी पाप स्वीकारोक्ति तथा पश्चाताप यदि कभी हुआ भी हो तो बहुत छिछला रहा होगा, उस पश्चाताप में गहराई नहीं थी, वास्तविकता नहीं थी। वह परमेश्वर के सामने अपने पापों के लिए, कभी फिर से उन पापों को न दोहराने के लिए आत्मिक रुदन नहीं था। जब कभी मेरे पापों को परमेश्वर के सामने शोक भरे हृदय से स्वीकारने के बजाय मैं बहाने बनाकर सिर्फ एक धार्मिकता की आड़ में झूठी माफी मांगूंगा, मैं जानता हूं कि अंदर कुछ चालबाजी है। बुरे विवेक का व्यक्ति बहुत छिछली या नकली पाप स्वीकारोक्ति तथा बहुत जल्दबाजी भरे पश्चाताप करता है जो वास्तव में पश्चाताप नहीं होते। वो मात्र बहानेबाजी करता है लोगों को संतुष्ट देने के लिए, अपने शरीर को, अपने ज्ञान को संतुष्ट करने के लिए। परमेश्वर संतुष्ट नहीं होता। तीसरा प्रमाण, बुरे विवेक का मनुष्य अपने पापों को नापता और तोलता है। वो अपने आप को सहमत करने के लिए, मेरे पाप तो छोटे छोटे होते हैं, मैंने किसी की हत्या नहीं की, बड़ा पाप तो वह होता है, ब्रदर ऐसा कौन सा पाप होता है जिसका दंड मृत्यु नहीं होती, ऐसे से सवाल उसके मन में आता है। मैंने तो व्यभिचार नहीं किया, इसलिए मेरे इन छोटे पापों से तो मैं स्वयं भी बस प्रार्थना एक बार करूंगा छूट जाऊंगा। यदि मैं रोज ऐसे पाप करता हूं तो रोज मैं प्रार्थना कर लेता हूं, हर रविवार को मैं प्रभु की मेज में भाग लेता हूं, मैं तो उसे छूट जाता हूं। ये कोई गंभीर तो है नहीं। मित्र, क्या आप नहीं जानते कि परमेश्वर की दृष्टि में पाप केवल पाप ही है? आपके जीवन का छोटे से छोटा पाप उतना ही भयंकर है जितना बड़े से बड़ा पाप। चौथा प्रमाण, बुरे विवेक का व्यक्ति अपने चरित्र की तुलना में सम्मान पाने के लिए अधिक चिंतित रहता है। आप सब तरह के पाप करने के बावजूद पकड़े जाना नहीं चाहते, यदि पकड़े भी गए तो रास्ता निकाल लेते हैं। ऐसे बुरे विवेक वालों का जीवन पाप में सड़ता रहता है। वे गुप्त में सब करके भी अपने आप को समाज में बहुत भला, बहुत धार्मिक मनुष्य प्रदर्शित करते हैं। ये कैसा भयंकर रुख है आपके जीवन का, जहां विवेक का पतन होकर वो अत्यंत भ्रष्ट हो जाता है, ढीठ हो जाता है। पांचवा प्रमाण, बुरा विवेक वह है जब हम सत्य के साथ बहस करने लगते हैं। यदि आप ऐसे मसीह से मिलें जो किसी मामले में बहुत अधिक भावुक हो, स्वयं को बहुत अधिक ज्ञानी प्रकट करता हो, बार बार वचन ही की दुहाई देकर के कहता हो मुझे ये वचन आता वह आता है, उसे हट जाइए, उसने अपने विचार बना रखे हैं, आप उसे कुछ सत्य नहीं समझा सकते। मैं ऐसे कई बड़े दिखाने वाले मसीहों को जानता हूं जो अपने पापों को सही साबित करने के लिए बाइबल का प्रयोग करते थे और कहते थे बाइबल के अनुसार मैंने कोई पाप नहीं किया है। मित्र, परमेश्वर का वचन आपको बुरे विवेक के विनाश से बचाकर शुद्ध विवेक में भागीदार करे, यही ईश्वर की इच्छा है, यही मेरी प्रार्थना है। प्रभु के नाम में आमीन।